गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों का पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ साइड मैंने आप लोगों को बता चुका है, ऑलरेडी उसका डिफाइन भी कराया है। पावर क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है, वेरिएबल टर्म क्या होता है, लिटरल पार्ट क्या होता है, ये सब के सब हमने बताया है। और आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.1, जिसमें आप लोग का फर्स्ट है रीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड रीच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर्मुलेंस कोरा की, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है और कौन सा नहीं है रीजन के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ये लिखा हुआ है इसमें 4x² - 3x + 7। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वेरिएबल पार्ट यहाँ एक से यहाँ भी एक से यहाँ नहीं है, यानी कि ये वेरिएबल पार्ट इन दोनों में ये कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। तो ये आपका वन वेरिएबल का है, क्योंकि इसमें वेरिएबल ओनली वन है, यानी कि वन वेरिएबल का हो गया, ये तो ठीक है। और ये पॉलिनोमियल है कि नहीं तो देख लीजिए, इसका डिग्री इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि 1, 2, 3, ये आपका 1 है, यहाँ 2 है, यानी कि नॉन निगेटिव है, इसलिए इट इज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। यहां तक समझ में आ गया, यानी इसी तरह सबके सब लिख देना है। सेकंड को आ रहा है, सेकंड है y² + √2, y² + √2। यहां देखिए y वेरिएबल है, इसका डिग्री वन निगेटिव है, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे इट इज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। क्लियर है, थर्ड देख लीजिए क्या कह रहा है, थर्ड दिया है 3² √2 + t² √2। ये देखिए 3² √t दिया है, 3² √t दिया है। अब इस t का जो डिग्री देखिए कितना है, t का डिग्री 1/2 आ गया है, प्लस t² √2, ये तो ऑफिशियल हो जाएगा नंबर है। अब ये t का वैल्यू 1/2 दे दिया, यानी कि ये आपका होल पार्ट में नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो 1/2 का वैल्यू क्या लिखना है, लिख देंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जो डिग्री दिया है वेरिएबल पार्ट का, वो डिग्री आपका कितना है 1/2। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है y + 2/y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, y + 2 × y का डिग्री -1 हो जाएगा। ये देखिए डिग्री निगेटिव पार्ट आ गया, निगेटिव है, इसलिए इट इज नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तभी होता है जब आपका पॉजिटिव डिग्री हो, प्लस में भी डिग्री रहता है तो ही लिखते हैं, नॉन निगेटिव वाला पॉलिनोमियल नहीं होता है। इस प्रकार क्वेश्चन 4 भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्वेश्चन
अब देखिए यहां वेरिएबल कितना पार्ट हो गए, ये 1 2 3 यानी कि वेरिएबल हो गए ए सुबह आई और टी, थ्री वेरिएबल्स और डिग्री किसी का नेगेटिव तो है नहीं, देयरफॉर लिख देंगे इट इज पॉलीनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में थ्योरी बताया गया होगा, उसमें वहां से जब आप क्लियर कर लेंगे तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड कोफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वायर का, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर कितना समझ दिखता है, कोई नंबर नहीं, मतलब क्या है 1 है, अगर यहाँ 2 रहता 3 रहता 4 रहता तो वह आंसर लिख देते हैं, लेकिन कुछ नहीं है इसका मीन 1 से मल्टीप्लाई है, 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो क्वेश्चन सेकंड देख लीजिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की सेकंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की और एक्स स्क्वायर की आपसे मल्टीप्लाई हुआ है या माइनस लगा है सिंबल है माइनस 1 से यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहां देखिए कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर क्या से मल्टीप्लाई हुआ है, पाई बाई 2 से, तो पाई बाई 2 यहां का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 4 देख लीजिए क्या कह रहा है, वीडियो दिख रहा है सर, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दिख रहा है। क्वेश्चन 4 स्क्वायर रूट 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट 2x माइनस 1, अब यहां पे x स्क्वायर है नहीं तो क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं 0 इनटू x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2x प्लस माइनस 1 और यहां तक दिए x स्क्वायर क्या से मल्टीप्लाई हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो यानी कि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका कितना आ गया, तो जीरो आ गया। इस प्रकार एक क्वेश्चन में और कर दे रहा हूं, बाकी दो क्वेश्चन कम कराएंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल इज ऑफ पॉलीनोमियल डिग्री 35 एंड बाइनोमियल 35 डिग्री एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल लिखना है, बाइनोमियल में कितना टर्म होता है, 2 टर्म, तो डिग्री इसका कितना दिया है, डिग्री दिया है आपका 35, तो वेरिएबल लीजिए x के पावर 35 हो गया और एक और टर्म प्लस 10 हो गया, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, या और करके लिख दीजिए 2t का पावर 35 प्लस t का पावर 4, ऐसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आपका 35 डिग्री मैक्सिमम डिग्री 35 होना चाहिए। सेकंड इसमें दिया है मोनोमियल, मोनोमियल में कितना होता है, मोनोमियल में 1 टर्म होता है और इसका डिग्री कितना दिया है, डिग्री दिया है 100, तो आप पी का
का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 आप उनका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।